तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो गए। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ हाउ टू बाय अ स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, खरीदना नहीं सिखाऊंगा, बस कुछ दोस्तों आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकते हो अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार। दोस्तों मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए अभी हम कोई फ़ोन परचेस करने जाते हैं, ऑफलाइन ही जाते हैं परचेस करने किसी दुकानदार से, तो यार दुकानदार हमें कुछ ऐसे समझाता है कि आपको इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको इतना रैम मिल रहा है, इतना मेमोरी मिल रहा है, मतलब दोस्तों आपको वो नंबर्स गेम पर आउट कर देगा। और दोस्तों मैक्सिमम लोग आउट हो जाते हैं और कोई सा भी घटिया फ़ोन उठाकर ले आते हैं। और वैसे ही दोस्तों मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, अगर ऑनलाइन फ़ोन भी परचेज करने जाते हैं ना, तो वो नंबर में ही उलझ कर रह जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें 4 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है और 48 मेगापिक्सल कैमरा देखेंगे बहुत ज़्यादा अगर देख लिए तो, बस यार इतना ही देखते हैं। लेकिन आजकल दोस्तों जो अभी का स्मार्टफोन आ रहा है इतना देखने से नहीं होता है यार। मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप अपना बजट सेट कर लो कि आपको कितने तक का स्मार्टफोन लेना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा 15,000 तक का यार, क्योंकि हमारे इंडिया में 15,000 का फ़ोन दोस्तों ज़्यादा बिकता है, 15,000 से नीचे का ही दोस्तों ऊपर कम है थोड़ा सा। तो अगर आपका बजट दोस्तों 15,000 रुपये का है और आपकी ज़रूरत क्या है, आपको कितना GB रैम चाहिए, क्या स्टोरेज चाहिए और कम से कम कैसा कैमरा होना चाहिए, आपकी अपनी ज़रूरत देख लो यार। उसके बाद मैं पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप 15,000 का मोबाइल लेने जा रहे हो ना, तो इसमें दोस्तों एक कैटेगरी सेट है, जैसे कि आपको कम से कम 4 GB का रैम, 64 GB का इंटरनल मेमोरी और कोई अच्छा सा प्रोसेसर होना चाहिए जो दोस्तों डिसेंट सा हो, फ़ोन अटके वगैरह नहीं। मतलब मान लो यार 15,000 का फ़ोन ले रहा है, कोई मीडियाटेक का घटिया चिपसेट लगा के दे दे रहा है या फिर स्नैपड्रैगन 400 सीरीज का प्रोसेसर दे दे रहा है, तो ये तो गलत बात हुई यार। कैटेगरी सेट है यार, आपको 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी और कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो दोस्तों 700 सीरीज का कम से कम 710 प्रोसेसर होना ही चाहिए, एक डिसेंट प्रोसेसर। तो यार ये देख लिया, अब आप अपनी ज़रूरत देखो आपको कैसा कैमरा चाहिए। अगर कैमरा आपको बेस्ट चाहिए तो दोस्तों यहाँ बहुत सारी कंपनी है जिसमें आपको कैमरा काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, अगर आपको एकदम ब्यूटी फिल्टर वाला कैमरा चाहिए, ओप्पो, वीवो दोस्तों या फिर आप रियलमी की तरफ जा सकते हो। इसमें दोस्तों काफ़ी ब्यूटीफाई कैमरा मिल जाता है, बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। या फिर दोस्तों आपको एकदम फीचर्स भर भर कर चाहिए तो MIUI दोस्तों Redmi का फ़ोन, इसमें दोस्तों आपको फीचर्स बहुत सारे मिल जाते हैं MIUI में। उसके बाद दोस्तों आता है ब्रांड, जो कि दोस्तों बहुत वैल्यू करता है खास करके हम इंडियंस के लिए। तो यार इसमें तो सिर्फ एक ही फ़ोन दिखता है, सैमसंग। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग एक ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर 15,000 रुपये का फ़ोन लोगे ना यार, तो आपको फ़ोन उतना अच्छा मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, ब्रांड वैल्यू की तरफ जाओगे तो आपको डिसेंट फ़ोन सैमसंग में भी मिल जाता है, तो ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है यार हमारे मामले में। उसके बाद दोस्तों हम क्या सोच सकते हैं, तो यार फ़ोन में जो OS होता है, देखो वैसे तो सब में एंड्रॉयड OS ही होता है, लेकिन सब अपनी अपनी स्किन देते हैं। जैसे दोस्तों रेडमी में MIUI, सैमसंग में OneUI, रियलमी में Realme UI और भी मतलब अलग अलग कंपनीज की अलग अलग UIs हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको कैसा UI पसंद है, अगर आप ऐड के साथ कंफर्टेबल हो तो Redmi का हो गया दोस्तों, Realme में भी कुछ ऐड्स आ ही जाता है। अगर आप दोस्तों एकदम क्लीन इंटरफेस चाहते हो तो दोस्तों उसके बाद आपको स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए, जिसमें दोस्तों नोकिया फ़ोन आते हैं, मोटोरोला के फ़ोन आते हैं। और उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको क्लीन फील चाहिए और एक UI भी चाहिए किसी कंपनी का, तो सैमसंग ही आता है यार दोस्तों, क्लीन फील भी मिल जाता है और सैमसंग का UI भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों कुछ ये सारी कैटेगरीज आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जो मैंने बताया कि 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो तो डिसेंट होना ही चाहिए यार 15,000 में। मतलब आप 15,000 में फ़ोन लेने जा रहे हो और कोई सा भी प्रोसेसर वाला घटिया फ़ोन उठा लिए तो ये दोस्तों सही नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको काफ़ी आसानी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या कैटेगरी देख लेना चाहिए और अपना पसंद ब्रांड। और दोस्तों कैमरा आज के समय में 48 मेगापिक्सल तो बेसिक हो ही गया है, और ये मत देखना यार किस फ़ोन में 4 कैमरा है, किस फ़ोन में 5 कैमरा है, क्योंकि यार 15,000 के जो फ़ोन आते हैं ना उसमें मैक्सिमम 2 कैमरा तो 2 मेगापिक्सल के होते हैं। लेकिन हाँ, एक प्राइमरी कैमरा होना चाहिए दोस्तों और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा जरूर होना चाहिए। यही दोस्तों कुछ बेसिक नीड है 15,000
आपके बजट के लिए। और दोस्तों अभी हम अगर बेस्ट फोन मैं बताऊं आप लोगों को 15,000 रुपए के अंदर में, तो Realme 6i दोस्तों वो सबसे बेस्ट है यार। आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेटेस्ट डिजाइन के साथ में आता है, हालांकि प्लास्टिक बॉडी बिल्ड है यार तब भी लेटेस्ट डिजाइन है, पंच होल कटआउट देखने को मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, प्रोसेसर भी कमाल का है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है यार। मतलब एक बेस्ट पैकेज आपको जो बताऊँ ना दोस्तों वो Realme 6i में अभी 15,000 रुपए के नीचे में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपका कौन सा बेस्ट फ़ोन है 15,000 के नीचे, और आपकी क्या ज़रूरत है अगर आप एक फ़ोन लेने जाते हो तो क्या सोचकर फोन लेते हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना। और हाँ दोस्तों अगर आपको किसी वाले चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा मैंने टेक्निकल वीडियो अपलोड किया। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित सदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।